बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह सूरह आराफ का रुकू नंबर 22 और 90 पारे का रुकू नंबर 12 में इंशाअल्लाह शुरू करूँगा। हस्बे मामूल सबसे पहले इसका मुख्तसर लफ्ज़ी तर्जमा मुख्तसर ग्रामर के साथ और फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ रब्बुका, और उस वक्त को याद करो जब तेरे रब ने लिया, अख़ज़ किया, मिन बनी आदमा, बनी आदम से, मिन ज़ुहूरिहिम यानी उनकी पुश्तों से। ज़ुहूर ये ज़हर की जमा है, ज़हर कमर को कहते हैं, पुश्त को कहते हैं। तो उनकी पुश्तों से अल्लाह ने लिया, क्या लिया, ज़ुर्रियतहुम उनकी ज़ुर्रियत को। ज़ुर्रियत औलाद को कहते हैं, नस्ल को कहते हैं। आदम की औलाद से अल्लाह ने, आदम और उनकी औलाद से अल्लाह ने उनकी पुश्तों से उनकी ज़ुर्रियत को निकाला। व अशहदहुम और गवाह बनाया उस ज़ुर्रियत को, अला अनफुसिहिम उनके अपने ख़िलाफ़, उनके अपने नफ्सों के ख़िलाफ़, यानी उन्हीं पर उनको गवाह बना के कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम। लईसा का माना नहीं, लस्तु ज़रबतु की तरह, क्या मैं नहीं हूँ। आ का माना क्या, अलस्तु क्या मैं नहीं हूँ, असल में था लयिस्तु समीअतु की तरह, क्या मैं नहीं हूँ। बिरब्बिकुम तुम्हारा रब, बा यहाँ पर जायद होती है, लईसा के बाद जब बा आता है उसका कोई तर्जुमा नहीं होता, सिर्फ ताकीद के लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। क़ालू सब ने कहा, बला क्यों नहीं। बला का माना इंग्लिश में कहते हैं ना, वाई नॉट, क्यों नहीं। शहीदना हम सब गवाह हैं। अन तक़ूलू आगे अल्लाह अपना कलाम शुरू कर रहे हैं, अन तक़ूलू के तुम कहीं ये कह दो, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, इन्ना कुन्ना बेशक थे। इन्ना असल में था इन्ना ना, कुन्ना कवन्ना ज़रबना की तरह, काना का माना होना। कहीं तुम क़यामत में ये कह दो इन्ना कुन्ना कि बेशक थे हम, अन हाजा इस बात से, किस बात से कि अल्लाह तो हमारा रब है, तो इस बात से हम क्या थे, गाफिलीन गाफिल थे। यानी क़यामत के दिन तुम कहीं ये कह दो, तो इसलिए मैंने पहले तुमसे ये अहद लेके तुम्हें ही इस पर गवाह बना दिया। तफसीर में इंशाअल्लाह इसकी डिटेल आएगी कि कहीं तुम क़यामत में ये ना कह दो। औ तक़ूलू या तुम ये कह दो कहीं क़यामत के दिन, इन्नमा अशरका आबाउना, अशरका युशरिकु इशराकन का माना शिरक करना, कि बेशक शिर्क किया था आबाउना हमारे बाप दादा ने, मिन क़ब्लू पहले, व कुन्ना और थे हम लोग, कुन्ना असल में कवन्ना ज़रबना की तरह, और थे हम ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, ज़ुर्रिया थे मिन बादिहिम उनके बाद, यानी उनके बाद हम उनकी औलाद में थे, तो इसलिए हमने भी कर लिया। कहीं तुम ये ना कह दो क़यामत के दिन। आफ़ातुहलिकुना तो क्या, आ का माना क्या, फ़ा का माना तो क्या तुहलिकू ना, ए अल्लाह तू हमें हलाक कर रहा है, बीमा उस अमल के नतीजे में, फ़ाअलल मुबतिलून जो अमल बातिल लोग कर चुके हैं। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात और इस तरह से हम अपनी आयात को खोल खोल के बयान करते हैं। वलअल्लहुम यरजिऊन और शायद के लोग रुजू कर लें। वतलू अलैहिम, तला यतलू, तलावा यतलू की इसका माना पढ़ना तिलावत करना, और आप ए नबी वतलू अलैहिम इन पर तिलावत करें, इन्हें पढ़ के सुनाएं, नबा अल्लज़ी उस शख्स की खबर, आतैनाहू असल में था अतैना अकरमना की तरह, जिनको हमने दी आयातिना अपनी आयात, फ़न सलाखा मिन्हा वो मुकम्मल निकल गया उन आयात से। इंसलाख का माना होता है निकल जाना किसी चीज़ से, जब खाल जानवर की उधेड़ी जाती है ना उसके ऊपर से, इसको भी इंसलाख का अमल कहा जाता है। तो बिल्कुल उन आयात से वो निकल गया। फ़अत्बअहु शैतान, अतबअ युत्बिअु, इत्बान का माना पीछे पीछे चलना, शैतान उसके पीछे हो लिया। फ़कान मिनल गावीन और हो गया वो गुमराह लोगों में से। वलौ शिअना अगर हम चाहते, लरफ़अनाहु बिहा, लाम ताकीद के लिए, रफ़ाना हम उस शख्स को रफ़ाना बुलंद कर देते, बिहा इन आयात के ज़रिए। वलाकिन्नहु लेकिन वो शख्स, अखलदा इलल अर्ज़ माइल हो गया ज़मीन की तरफ। इखलाद का माना होता है माइल होना, माइल हुआ ज़मीन की तरफ यानी पस्ती की तरफ। वत्तबअ हवाहु और उसने पैरवी की अपनी ख्वाहिश की। फमसलुहु बस उस शख्स की मिसाल कामसलिल कल्ब, कुत्ते की मिसाल की तरह है। इन तहमिल अलैहि, अगर तू हमला करे अलैहि उस कुत्ते के ऊपर, यलहस तो भी वो हाँपता रहेगा। लही सा यलहस, वो हाँपना, जैसे कुत्ता ज़बान निकाल के हाँप रहा होता है। अगर तू उस कुत्ते पर हमला करेगा तो भी वो हाँपता रहेगा। व इन ततरुक औ ततरुक हु, या अगर उस कुत्ते को तू अपने हाल पे छोड़ देगा यलहस तो भी वो हाँपता रहेगा। ज़ालिका, ये है मसलुल कौम, उस कौम की मिसाल, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, उस कौम की मिसाल जो हमारी आयात का को झुटलाते हैं। फ़क़सुसिल क़सस, क़ससा या क़ुसूसु का माना होता है वाक़या बयान करना, क़स्सा बयान करना, और क़सस वाक़े को कहते हैं। उक़सुस असल में था ऑर्डर का सीगा है, उनसुर की तरह। फ़क़सुसिल क़सस, ए नबी आप वाक़या बयान करें। लअल्लहुम यतफ़क्करून, शायद कि ये लोग गौर फ़िक्र से काम ले लें। सा मसाला, बहुत बुरी है अज़रू मिसाल के। अलकौम, वो कौम, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, जो हमारी आयात को झुटलाया जिन्होंने। व अनफुसहुम कानू यज़लिमून, और वो अपनी ही जानों पर जुल्म किया करते थे। उनकी मिसाल बहुत ही बुरी है। मन यहदिल्लाहु, वो शख्स जिसको अल्लाह हिदायत दे, फ़हुवल मुहतदी, वो है हकीकी हिदायत याफ्ता। व मन युज़लिल, और वो जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, बस ये लोग हैं खसारे वालों में से। वलक़द ज़रअना, ज़रअ यज़रअ का माना होता है पैदा करना, बिखेर देना, दोनों माना में आता है। तो असल में ज़ुर्रियत से निकला है ना, ज़ुर्रियत भी औलाद को कहते हैं, नस्ल को कहते हैं जिसको पैदा किया जाता है। वलक़द ज़रअना, तहक़ीक़ हमने पैदा किया है, लिजहन्नमा, जहन्नम के लिए, कसीरम मिनल जिन्नी वल इंस, बहुत सारे जिन्नात और इंसानों को। लहुम कुलूब, ये वो लोग हैं जिनके दिल हैं, ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन इन दिलों से वो समझते नहीं हैं बात को। फ़क़ीहा यफ़क़हू का माना होता है समझना। लहुम कुलूबुन, उनके दिल हैं, ला यफ़क़हून बिहा, मगर उन दिलों के ज़रिए वो कुछ समझते नहीं हैं। वलहुम आयुनुन, इनकी आँखें हैं, आइन की जमा आयुन, इनकी आँखें हैं, ला युबसिरून बिहा, मगर उन आँखों से वो देखते नहीं हैं। वलहुम आज़ान, उदुन कान को कहते हैं, आज़ान उसकी जमा आती है। एक लफ्ज़ है अज़ान, जो हम अज़ान, ये अज़ान है, और एक है आज़ान, ये असल में था अज़ानुन, अज़राबुन की तरह, तो उदुन की जमा, कान की जमा। और इनके कान हैं, ला यस्माऊन बिहा, उन कानों से ये सुनते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम, ये लोग चौपायों की तरह हैं। नाम अरबी में चौपाई को कहते हैं, अनआम उसकी जमा आती है। बल हम, बल्कि ये लोग, अवल, उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। अज़ल, अज़ललू, अज़रबू की तरह कंपेयर किया जाता है ना, अज़ल्लू मिनल अनआम, यानी चौपायों से भी ज़्यादा गुमराह हैं। उलाइका, ये हैं वो लोग, हुमुल गाफिलून, जो असल में गाफिल हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह ही के लिए हैं अस्मा, इसम की जमा अस्मा, नाम है, अल हुस्ना अच्छे अच्छे नाम। फदउहू बिहा, बस उस अल्लाह को पुकारो, बिहा उन्हीं अस्मा के साथ, उन्हीं अच्छे नामों के साथ। वज़रू, वज़रा यज़रू का माना होता है, वाव का माना तो और, ज़र का माना छोड़ दो, ज़रू जमा आती है इसकी। वज़रू, और छोड़ दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, युल्हिदूना, जो इल्हाद करते हैं। इल्हाद का माना कजी करते हैं। देखें इल्हाद निकला लहद से। लहद अरबी में उस कब्र को कहते हैं जो सीधा जाके एल की शक्ल में आप टेढ़ी करके खोदते हैं, यानी पहले यूं और फिर ऐसे एल की शक्ल में, तो ये भी थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, इसलिए इसको लहद कहते हैं। तो इल्हाद, अल्लाह के वजूद का इनकार, इसको इल्हाद कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही टेढ़े होते हैं, ये लोग तो बिल्कुल ही हक़ का इनकार कर रहे होते हैं। तो हर वो जो बिल्कुल ही ज़िद और हट धर्मी में हक़ के बिल्कुल उलट चलता है, इस अमल को इल्हाद कहा जाता है। तो कुरान कहता है वज़रुल्लज़ीना, और छोड़ दो उन लोगों को, युल्हिदूना, जो इल्हाद से काम लेते हैं, फ़ी अस्माइही, अल्लाह के नामों के बारे में। सयुजज़ौना अन क़रीब, इनको बदला दिया जाएगा, मा कानू यामलून, उस अमल का जो ये लोग किया करते थे। व मिम्मन खलक़ना, और वो लोग जिनको हमने पैदा किया, उम्मतुन, उनमें एक जमात ऐसी है, यहदून बिलहक़, जो हक़ के साथ रहनुमाई करती है, वबिही यादिलून, और हक़ का के साथ इंसाफ़ करती है। ये तो लफ्ज़ी तर्जमा हो गया मुख्तसर ग्रामर के साथ। अब इंशाअल्लाह सूरह आराफ़ का रुकू नंबर 22 और 12 की मैं इंशाअल्लाह तफसीर आपके सामने पेश करता हूँ। इससे पहले आपको पता है, इस रुकू से पहले वाले रुकू में बनी इसराइल के वाक़यात चल रहे थे और यहूद ईमान नहीं लाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ईमान की फ़िक्र किया करते थे। तीन फ़रीक़ से आपका ज़्यादातर वास्ता था, एक मुशरिकीन मक्का से जो बुत परस्त थे, एक ईसाइयों से जो बुत परस्त तो नहीं थे लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना के उन्होंने शिर्क किया, और तीसरे यहूद थे जो ज़िद्दी और हट धर्म होने की वजह से इस्लाम की दावत पर ईमान नहीं लेकर आते थे, लेकिन इल्म उनके पास ज़्यादा था। तो इस रुकू में अल्लाह ताला ने यहूद या उन जैसे उलमा का भी तस्करा किया जो अपने इल्म को चंद टकों के बदले में बेचते हैं और उसके नतीजे में हक़ का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। ऐसे उलमा का भी एक मिसाल से तस्करा किया गया। और जो दूसरा फ़रीक़ था जो सिरे से तौहीद ही का मुनकिर था, उसका भी, उस पर भी रद्द किया गया। उस पर रद्द इस तरह से किया गया, ये बताया गया कि तौहीद इंसान की नेचर है, फितरत है, शिर्क इंसान की नेचर नहीं है। आपको पता है अक्सर गैर मुस्लिम ये कह देते हैं कि हम तो भाई हिंदू घर में पैदा हुए हैं, हमारे तो बाप दादा मुशरिक थे, तो हम भी शिर्क कर रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें। ये तो फिर अल्लाह को चाहिए था कि हमें किसी मुस्लिम घराने में पैदा कर देता, तौहीद परस्त घराने में पैदा कर देता। ये नॉर्मली तकरीबन सब गैर मुस्लिम ये बात कर रहे होते हैं कि भाई अल्लाह को हमें अगर तौहीद पे चलाना था तो अल्लाह ने किसी तौहीद परस्त के घर में पैदा क्यों नहीं किया। अल्लाह ने तो हमें ऐसे घर में पैदा किया जो गैर मुस्लिम है, तो हम तो मजबूर हैं। तो इस इश्काल का यहाँ जवाब दिया गया है और इस आयत को इब्तदा यहाँ से की गई। वही दखदा रब्बू का मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम, अल्लाह ने फरमाया उस वक्त को याद करो जब तेरे रब ने बनी आदम से यानी उनकी पुश्तों से ज़ुर्रियतहुम, उनकी ज़ुर्रियत को निकाला। कुरान में तो ये वाक़या इतना ही बयान हुआ है, सही अहदीस में इसकी तफसीर आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी औलाद को, फिर उनकी पुश्त से उनकी औलाद को आलम अरवाह में यानी इंसानों के दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने तमाम इंसानों की रूहों को एक दूसरे की पुश्त से निकाल निकाल के चंद लम्हों में अल्लाह के लिए ये काम को, यानी अल्लाह के लिए तो ज़ाहिर है मुश्किल नहीं है, ये सारी इंसानियत जितने भी आदम से लेके क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान था, अल्लाह ने अपने सामने सबको जमा किया। और हदीस में आता है वो चींटियों की तरह थे। अब ये जो हदीस में आए चींटियों की तरह बिखरे हुए थे अल्लाह के सामने, तो ये भी मुमकिन है कसरत की वजह से उनको चींटियों से ताबीर किया गया हो, जैसे चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक दूसरे में घुस रही होती हैं। और ये भी मुमकिन है वो साइज़ में भी चींटियों की तरह हो, यानी पूरी ज़मीन पर अल्लाह ने इतने सारे इंसानों को जमा करना तो चींटियों की तरह उनका हुजम हो और सारे इंसानों को अल्लाह ने फैला के उनको समझ अता फरमाई, अक़ल अता फरमाई, ताकि अल्लाह जब उनसे एक सवाल पूछे तो उस सवाल का उस अक़ल के मुताबिक जवाब दे सकें। तो तमाम इंसानों को आदम से लेके अल्लाह ने क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, उन तमाम इंसानों को अल्लाह ने अपने सामने ज़मीन पे जमा किया और उनसे ये अहद लिया, उनको उन्हीं पर गवाह बनाया कि मैं तुमसे एक अहद ले रहा हूँ, तुम सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाह बन जाना ताकि क़यामत में कोई इनकार ना कर सके। वो गवाह क्या, जिसका कुरान तस्करा करता है व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, उन सबको उनके ख़िलाफ़ गवाह बना के अल्लाह ने पूछा अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो कुरान कहता है सब ने बैक ज़बान होके कहा भला क्यों नहीं, यानी जवाब का अंदाज़ ये नहीं था कि हम गौर करते हैं अल्लाह या अल्लाह हाँ तू हमारा रब है, बल्कि जब हम कहते हैं ना कि क्यों नहीं, इसका मतलब ये होता है कि पूछने का सवाल है, ये तो 100% तयशुदा बात है कि तू ही हमारा रब है, तेरे अलावा कौन हो सकता है। तो कुरान कहते हैं सब ने बैक ज़बान होकर कहा भला ए अल्लाह क्यों नहीं, शहीदना, हम सब इस बात पर गवाह हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारा काम मैंने इसलिए किया अन तक़ूलू, कि तुम क़यामत में कहीं ये कह दो यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, ए अल्लाह हम इस दावे से कि तू हमारा रब है, इस अक़ीदे से, इस कलमे से हम गाफिल थे, इसलिए हमने पत्थरों को माबूद बना लिया, किसी ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को माबूद बनाया, किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जो रब की सिफ़ात है वो नबी को दे दी। तो ऐसा ना हो कि तुम क़यामत के दिन ये कह दो और तुम कह दो कि हम इससे गाफिल हैं। इसलिए अल्लाह ने आलम अरवाह में तुम सब की ज़बानों से ये जुमला निकलवाया है और इस अंदाज से निकलवाया है कि तुम सब ने बेक ज़बान होकर कहा कि अल्लाह ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तू हमारा रब है। तो मैंने तुम सब से एक एग्रीमेंट ले लिया, कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन तुम यूँ कहो कि अल्लाह हम इससे गाफिल थे, या ऐसा ना हो कि तुम ये कह दो औ तक़ूलू कि तुम ये कह दो इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्ल, जो आम तौर पे गैर मुस्लिम कहते हैं कि हमारे बाप दादा पहले ही शिरक कर चुके थे। वकुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, हम तो उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी औलाद थे, हमने तो वही करना था जो हमारे बाप दादा कर रहे थे, तो हम तो मजबूर थे उनकी वजह से। अफ़ातुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, अल्लाह तो हमें हलाक कर रहा है उस अमल की वजह से जो बातिल लोग करके गए हैं। हमारे बाप दादा ने कुफ्र किया, शिरक किया, हम तो उनके ख़ानदान में पैदा होने की वजह से काफिर थे। मैं ईसाई इसलिए था कि मैं ईसाई घराने में पैदा हुआ, मैं यहूदी इसलिए था कि मैं यहूदी घराने में पैदा हुआ, मैं हिंदू इसलिए था कि मैं हिंदू घराने में पैदा हुआ, मैं सिख इसलिए था कि मैं सिख घराने में पैदा हुआ। तो मैं तो मजबूर था, मैं तो ख़ानदान की वजह से। तो अल्लाह कहते हैं ये बातें कल क़यामत के दिन तुम ना कर लो, इसलिए मैंने आलम अरवाह में तुमसे बैक ज़बान तुम सबसे एग्रीमेंट ले लिया था। वकदालिक नुफस्सिलुल आयात, अल्लाह कहते हैं देखो हम इस तरह अपनी आयात खोल खोल के बयान करते हैं। वलअल्लहुम यरजिऊन, और शायद कि ये लोग रुजू कर लें, यानी शिरक का रास्ता छोड़कर तौहीद की तरफ आ जाए। इस पर एक इश्काल होता है जो आमतौर पे लोग करते हैं कि भाई हमें तो याद नहीं है, हमने कोई एग्रीमेंट किया था और किसी को भी याद नहीं है। देखें, एग्रीमेंट वो हुज्जत होता है ना जो रिटर्न में आपके पास हो या आपको याद हो, आपके दिमाग में हो। ये तो अल्लाह ने बताया है तो मुसलमान इस पर यकीन कर लेंगे, गैर मुस्लिम तो फिर भी यकीन नहीं करेगा। यानी हम मुसलमान हैं, हम कुरान पर ईमान लाते हैं, तो हम तो अल्लाह के कहने से मान लेंगे कि ठीक है भई अल्लाह तू ये कह रहा है कि मैंने तुम सब से अहद लिया था कि हम तौहीद परस्त होंगे, सिर्फ़ एक अल्लाह को अपना रब कहेंगे। तो अल्लाह हमें तो एग्रीमेंट याद नहीं है, लेकिन तू कह रहा है और हम तुझ पर ईमान रखते हैं, लिहाजा मानते हमने एग्रीमेंट किया था। तो अब ये एग्रीमेंट मुसलमान के ख़िलाफ़ तो हुज्जत हो सकता है, काफिर तो इस बात को नहीं मानता। तो वो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मेरे बाप दादा काफिर थे तो मैं भी काफिर था, तो मेरा क्या कसूर है। तो अल्लाह अगर जवाब में ये कहे कि मैंने तुम सबसे पहले ही एग्रीमेंट ले लिया था दुनिया में आने से पहले कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो उस एग्रीमेंट की बेस पर तुम्हें काफिर बनने की इजाज़त नहीं थी, तो काफिर ये सवाल कर सकता है कि अल्लाह हमें तो याद नहीं है वो एग्रीमेंट। तो और ज़ाहिर है अल्लाह का इल्म तो कामिल है, जब हमें पता है कि हमें याद नहीं है तो अल्लाह तो ये जानते हैं कि इनको याद नहीं है। तो एक इश्काल होता है यहाँ पे, उस इश्काल का जवाब ये है, इस इश्काल के दो जवाब हैं। पहली बात तो ये है कि ये बात तो मुसल्लम है, किसी को भी एग्रीमेंट याद नहीं है, अगर याद होता तो याद दिलाने की ज़रूरत ना होती। तो ये बात तो ठीक है याद नहीं है, लेकिन जिस किताब के ज़रिए हमें वो एग्रीमेंट याद दिलाया जा रहा है कि तुमने एग्रीमेंट किया था अगरचे तुम भूल चुके हो, ये नेचर है इंसान की, ज़ाहिर है हमें नहीं पता कि आलम अरवा में हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन जिस किताब के ज़रिए वो एग्रीमेंट याद दिलाया जा रहा है उस किताब के बरहक होने के दलाइल अल्लाह ने बहुत ज़्यादा कायम कर दिए। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप किसी शख्स से कहते हो कि आपने मुझसे ये घड़ी ख़रीदी थी और आपने ये घड़ी मुझसे 2 लाख रुपए में ख़रीदी थी और आपका मुझसे एग्रीमेंट हुआ था कि ये 2 लाख रुपए आप मुझे देंगे। अब बात इतनी पुरानी हो गई है कि वो इनकार कर रहा है कि भाई मैंने तो कोई 2 लाख आपके नहीं देने, मुझे तो याद नहीं। आप कहते हैं हमें पता है आपको याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई है। लेकिन इस पर दीगर गवाह मौजूद हैं और वो ऐसे हैं कि उनके बरहक होने के दलाइल अलग से कायम हैं। तो आपने 8-10 आदमियों से गवाही दिलवा दी और उस 8-10 आदमियों का सच्चा होना भी साबित कर दिया। तो फिर अगरचे आपको याद नहीं है कि मैंने 2 लाख रुपए देने के एग्रीमेंट किए, लेकिन उन गवाही के बाद आपको देने पड़ेंगे, आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं एग्रीमेंट करके भूल गया हूँ। तो अगरचे हम में से किसी को वह एग्रीमेंट याद नहीं है, लेकिन जब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी होना दलाइल से साबित कर दिया, कुरान का कुरान होना दलाइल से साबित कर दिया, तो जब अल्लाह उस कुरान में और अपनी किताबों में, आसमानी किताबों में उस एग्रीमेंट का तस्करा कर रहे हैं, तो अगरचे काफिर ये तो कह सकता है मुझे वो एग्रीमेंट याद नहीं है, लेकिन अल्लाह कहेगा जब मैंने तुझे बताया था आखिरी किताब में तो तू उस किताब के बारे में तो रिसर्च कर लेता ना कि ये सही है या गलत। तू तहकीक करता, तुझे पता चलता कि किताब सच बोलती है, उसके बाद तुझे उस एग्रीमेंट का इकरार करना पड़ता। तो एक बात तो ये है। इससे भी ज़्यादा वाज़ेह जवाब जो उलमा ने दिया है वो ये दिया है कि असल में कुरान यहाँ ये बताना चाह रहा है कि आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने जो हमसे एग्रीमेंट लिया, उस एग्रीमेंट की वजह से तौहीद हमारी फितरत का हिस्सा बन चुकी है। यानी हमें दुनिया में लाने से पहले पहले तौहीद के सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है ना कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से लोगों को निकाला, इसकी पूरी हकीकत हमारे सामने है नहीं और कुरान बयान भी नहीं कर रहा। कुरान सूरह बनी इसराइल में कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें हमने सारा इल्म नहीं दिया है। इस आयत की वजह से अल्लाह क्या करते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में बयान नहीं करते हैं। जैसे रूह के बारे में सवाल पूछा था कि रूह क्या है, तो कुरान ने नहीं बताया हमें रूह क्या चीज़ है, बल्कि कुरान ने कहा अल्लाह का एक हुक्म है, बस जब वो जिस्म में होता है तो हमारे अंदर हयात होती है, जब वो बॉडी में नहीं होता तो हम मर जाते हैं। इससे ज़्यादा कुरान ने रूह को डिफ़ाइन क्यों नहीं किया, उसकी वजह कुरान खुद बयान करता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हारे पास इल्म बहुत थोड़ा है। यानी जितनी नॉलेज है ना उस हिसाब से तुम इतना ही जवाब समझ सकते हो, उससे आगे जवाब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ भी कुरान ने हमें पूरी डिटेल नहीं बयान की है, इबहाम रखा है, इजमाल रखा है, हमें नहीं पता हुआ क्या था। बस कुरान ने इतनी बात की है, हदीस से इतनी बात पता चलती है कि हमारी पैदाइश से पहले आलम अरवाह में हमारी रूहों को पैदा किया गया। अच्छा, फिर हदीस में ये भी आता है कि दोबारा उनको फिर लौटा दिया गया आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में। यानी दोबारा फिर ये अमल रिवर्स हुआ है। एक दफ़ा सबको दुनिया में ला के अल्लाह ने अहद किया, उसके बाद दोबारा उस अमल को रिवर्स करके अदम में, जैसे हम पहले थे वैसे उस हालत अदम में हमें ले जाया गया। इसकी पूरी हकीकत मालूम नहीं है, लेकिन इससे इतनी बात कुरान जो बताना चाह रहा है, जो साबित करना चाह रहा है, वो ये है कि तुम्हारे दुनिया में आने से पहले पहले अल्लाह ने तुम सबको जमा करके तुमसे इकरार लिया और तुमने बमांगे दोहल ये ऐलान किया कि अल्लाह तू हमारा रब है। उसका नतीजा ये निकला कि तुम्हारी रूह में तौहीद और अल्लाह की रुबूबियत का इकरार ये तुम्हारी रूह में शामिल हो चुका है। अब जब तुम्हारी रूह में ये शामिल हो चुका है, तुम्हारी फितरत का हिस्सा बन चुका है, तो फिर ये कहना कि मेरे बाप दादा चूँकि शिर्क किया करते थे इसलिए मैं शिर्क करता हूँ, अब ये बात बनती नहीं है। इसलिए कि बाप दादा के दीन को तुम उस वक्त फॉलो करते जब तुम्हारी नेचर भी उसको अपील कर रही होती है। जैसे कुछ चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा होती हैं, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं इसलिए कि हमारे बाप दादा करते हैं, वो हमारी नेचर का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन अल्लाह इन आयतों में ये बता रहा है कि तुम्हारा बाप 100 बुतों की इबादत करता हो, तुम्हारा पूरा ख़ानदान शिर्क परस्त हो, लेकिन फिर भी बच्चा जब पैदा होता है ना और बालिग होता है, वो शिर्क की नफ़रत के साथ बालिग होता है। ये तुम उस शिर्क की नफ़रत को खुरच खुरच के दिल से निकालते हो और उस नफ़रत को निकाल के शिर्क की मोहब्बत को लेकर आते हो, और तौहीद की मोहब्बत को तुम खुरच खुरच के दिल से निकालते हो। तो ये इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे बाप चोर था तो मैं भी चोर हूँ, ज़ाहिर है उसे कहा जाएगा कि यार तुम्हारा बाप चोर था, लेकिन जब तुम्हें ये बात पता चली कि तुम्हारे वाले साहब चोरी करते हैं तो क्या तुम्हें अच्छा लगा था? ये सुन के फ़ौरन कहेगा अच्छा नहीं लगा था। इसका मतलब क्या है कि चोरी इंसान की नेचर नहीं है, झूठ इंसान की फितरत नहीं है। आपके बाप दादा बेशक करते रहे हों लेकिन आपको ये अमल अच्छा नहीं लगता। इसको और ज़्यादा हदीस में बयान इस तरह से किया गया है। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहविदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा फितरत पे यानी इस्लाम पे पैदा होता है, उसके वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। क्या मतलब? कल्चर जो है बच्चे की नेचर के ख़िलाफ़ चल के उसको बिगाड़ता है, वरना बच्चे की नेचर भी उसको एक्सेप्ट कर नहीं रही होती। वो फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है उस माहौल में ढलना शुरू हो जाता है। तो हमें कुरान की इन आयतों से ये पता चलता है कि अल्लाह ने आलम अरवाह में हमसे अहद लिया था और उस अहद के नतीजे में तौहीद हमारी नेचर में, हमारी रूह में शामिल हो गई थी। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि अंतक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हादा गाफ़िलीन, ये सब मैंने इसलिए करवाया कि तुम कल क़यामत के दिन ये ना कह दो कि अल्लाह हम इस नारे से गाफिल थे। वो नारा क्या है? तू हमारा रब है, हम इससे गाफिल थे। तुम गाफिल नहीं थे, तुम्हारी नेचर में मैंने ये नारा दाखिल कर दिया था। तभी इंसान जब तौहीद पर बयान सुनता है उसको अच्छा लगता है, जब शिर्क की बात सुनता है उसको बुरा लगता है। इल्ला ये कि अपनी नेचर को वो चेंज ना कर ले। औ तक़ूलू, या तुम क़यामत में कहीं ये ना कह दो इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लू, अल्लाह हमने तौहीद का तो सुना ही नहीं था, हम गाफिल थे इससे। ये भी नहीं कह सकते इसलिए कि तुम्हारी फितरत में है तौहीद, और ये भी नहीं कह सकते कि अगरचे हमारी फितरत में था लेकिन हमारे बाप दादा जो है वो शिर्क कर रहे थे तो हमने शिर्क किया। तो भाई तुम्हारे बाप दादा जो कर रहे थे तुम्हें खुद गलत लग रहा था, वो तुम्हें साफ पता था कि ये गलत है, तुम्हारी नेचर भी उसको अपील नहीं कर रही थी, इसलिए तुम बाप दादा का भी क़यामत के दिन हवाला नहीं दे सकते। वकदालिक नुफस्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन, इस तरह हम अपनी आयात खोल खोल के बयान करते हैं और ताकि ये लोग रुजू कर लें। ये जो मैंने बार बार ये बात कही है कि हमें मालूम नहीं है कि हमसे क्या एग्रीमेंट लिया गया था, ये मैं अपने लिहाज से और आम तौर पे लोगों के लिहाज से कह रहा हूँ, लेकिन माजी में ऐसे औलिया अल्लाह गुज़रे हैं जिन्होंने ये दावा किया, वो बड़े बड़े वली थे, वो बड़े वक्त के उलमा थे, उन्होंने ये दावा किया कि हमें वो एग्रीमेंट याद है। वल्लाहु आलम इसकी क्या हकीकत है, ऐन मुमकिन है अल्लाह अपने किसी बंदे पर वो मुआहदा मुनकशिफ़ कर दे। ऐसे बहुत सारे अहलुल्लाह दुनिया में बज़ुर्गान ए दीन गुज़रे हैं जो कसम उठा के कहा करते थे कि हमें वो एग्रीमेंट अच्छी तरह याद है कि जब अल्लाह ने आलम अरवाह में हमसे एग्रीमेंट लिया था और हमसे मुआहदा लिया था। तो ये अल्लाह की कुदरत से मुमकिन है कि अल्लाह अपने किसी नेक बंदे को उस मुआहदे को याद दिला दे। आगे कुरान कह रहा है वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। मैंने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तीन तरह के लोगों से था, एक तो ये मुशरिकीन थे, इनका तो जवाब दिया गया कि भाई तौहीद इंसान की नेचर में दाखिल है, लिहाजा ये कहना मेरे बाप दादा शिरक करते हैं और यह हमें तौहीद का पता ही नहीं है, अल्लाह कौन है हमें पता ही नहीं है, ये दावा क़यामत के दिन नहीं चलेगा। दूसरा रहा मसला यहूदियों का, तो अल्लाह ने एक यहूदी आलिम का तस्करा इन आयात में किया और बताया वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, और क़यामत तक के उलमा को अल्लाह ने इस आयत में डरा दिया है कि जिनके पास भी इल्म है अगर वो ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करेंगे तो अल्लाह उस इल्म के ज़रिए, जो दीन का इल्म है उसके ज़रिए अल्लाह उनको बहुत बुलंद मकाम अता फ़रमाएगा, और अगर वो ख्वाहिशात के पीछे चले गए तो जो इज़्ज़त वो चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगी और उनकी मिसाल उस कुत्ते की मिसाल होगी कि जिस पे आप हमला करके भगाओ तो भी हाँपता है और उसको अपने हाल पे छोड़ दो तो भी हाँपता है। ये हाँपना किनाया है ज़िल्लत से। मैं दोबारा इन आयात का तर्जुमा करके फिर इसके मैं तफसीर करता हूँ, यानी तफसीर के लिहाज से जो तर्जुमा है वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ए नबी आप इनको पढ़ के सुनाएँ उस शख्स की खबर जिसको हमने अपनी निशानियाँ दी। आयात से मुराद अपनी आयात दी, तौरात का इल्म दिया या इंजील का इल्म दिया या कुरान का इल्म दिया, इससे कौन मुराद है? रिवायात इस बारे में बहुत मुस्तनद रिवायत से तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, अलबत्ता मुख्तलिफ रिवायात हैं, सहाबा ताबीन से मुख्तलिफ तफसीरें हैं। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के किसी आलिम का बताया, किसी ने कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कोई आलिम था, किसी ने बलाम बाऊर का तस्करा किया जिसने पैसे दे के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगाने की कोशिश की। वल्लाहु आलम। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा इससे कोई मखसूस मुराद नहीं है बल्कि हर वो आलिम मुराद है, चाहे वो यहूदियों में हो, चाहे वो ईसाइयों में हो, चाहे वो मुसलमानों में हो, जो दुनिया की लालच में हक़ का और अल्लाह की निशानियों का इनकार कर दे। तो चूँकि यहूद इसके पहले मिसदाक थे इसलिए ज़्यादातर हजरात ने इससे यहूद का आलिम मुराद लिया है, लेकिन हमें ज़ाहिर है उसका क्या करना है कि कौन मुराद है। जो भी इस किरदार का हामिल होगा वो इन आयतों में दाखिल होगा। वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ए नबी आप इनको ख़बर पढ़ के सुनाएं उस शख्स की जिसको हमने अपनी आयात दी, यानी अपनी आयात का इल्म, यानी तौरात, या अगर यहूदी आलिम मुराद है तो तौरात का इल्म इसमें दाखिल है, जिनको हमने तौरात का इल्म दिया। ज़्यादातर मुफस्सिरीन इसी तरफ गए हैं कि बलअम बाऊर एक यहूदी आलिम गुज़रा है, वो मुराद है इससे, जिसको हमने अपनी आयात यानी तौरात का इल्म दिया। फ़न सलाखा मिनहा, वो उन आयात से बिल्कुल निकल गया, यानी बिल्कुल उस पर अमल उसने छोड़ दिया। फ़अत्बअहु शैतान, और फिर शैतान उसके पीछे हो लिया। फ़कान मिनल गावीन, और वो गुमराह लोगों में हो गया। तो जो आलिम भी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, पैसों की लालच में हक़ को खल्त मल्त करता है, तो वो फिर थोड़ा गुमराह नहीं होता, कुरान की इन आयात से पता चलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे दीन से निकल जाता है और फिर शैतान उसके पीछे हो लेता है। होता तो ये कि इंसान शैतान की पैरवी करता है, लेकिन गुमराही का एक वक्त ऐसा आता है कि शैतान को पता होता है कि मेरी दाल यहाँ गलेगी, लिहाजा शैतान मुकम्मल तौर पर उस पर मुसल्लत हो जाता है। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, अल्लाह चाहते हैं, हम चाहते तो हम इन आयात के ज़रिए उसको बुलंद कर देते। अगर वो थोड़ी ख्वाहिशात की पैरवी से बच जाता, लोगों के सामने हक़ को बयान करता, तो हम उसको बहुत बुलंद मकाम अता करते। आज भी हम देखते हैं कि जो उलमा लोगों की बातों में नहीं आते, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते, हक़ पर कायम रहते हैं, देर से सही लेकिन अल्लाह उनको बहुत ऊंचा मकाम अता फ़रमाते हैं। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज़, लेकिन वो ज़मीन की तरफ माइल होता चला गया। ज़मीन से मुराद है दुनिया की तरफ, पस्ती की तरफ। पस्ती की तरफ माइल होने को अल्लाह ने ज़मीन की तरफ माइल होने से ताबीर किया है, यानी दुनिया के चंद टकों की खातिर पस्ती की तरफ, ज़िल्लत की तरफ माइल होना। आज हम देखते हैं कि जो उलमा पैसों के लालची हो जाएं उनकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं रहती। ये आज भी नज़र आ रहा है, लोग उन्हीं उलमा की इज़्ज़त करते हैं, उन्हीं को वक़ार देते हैं जो जिनके दिल में दौलत की लालच नहीं होती, पैसों की हवस नहीं होती। वो हक़ बयान करते हैं, पैसा आए ना आए उनकी सेहत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आयत ख़ास तौर पर अहले इल्म हज़रात के लिए। अल्लाह फरमाते हैं वत्तबा हवाहू, और उस शख्स ने ख्वाहिशात की, अपनी ख्वाहिश की पैरवी शुरू कर दी। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, इस शख्स की मिसाल कुत्ते की मिसाल है। इन तहमिल अलैहि यलहस, कि उस पर तुम हमला करोगे तो भी वो कांपेगा ज़बान निकाल के, और अगर उसको छोड़ दोगे तो भी ज़बान निकाल के कांपेगा। यानी कुत्ता किसी हाल में भी आप उसको सुकून की हालत में नहीं देखेंगे, उसको खौफ में मुब्तला करेंगे तो भी यही कंडीशन, अमन में आएगा तो भी यही कंडीशन। तो जैसे कुत्ता हर वक्त ज़बान निकाल के हाँपता रहता है ना, और एक अजीब सी उसकी ज़िल्लत वाली कैफियत होती है। तभी तो हमारे यहाँ जब भी किसी को गाली देनी होती है कुत्ते के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है, जब भी किसी को बुरा भला कहना होता है कुत्ता कहा जाता है उसको। वजह क्या है? कुत्ते की जो ज़ाहरी हालत है वो ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि हर वक्त एक ज़िल्लत की कंडीशन में, लालच की कैफियत में है। ये कभी भी सुकून में नहीं बैठा होगा। आपने देखे सायादार दरख्त के नीचे बैठा होगा तो भी हाँप रहा होगा वो। तो कुरान जब इस तरह की मिसालें देता है इससे हकीकत मुराद नहीं होती। जब हम जानवरों से किसी चीज़ को तशबीह देते हैं तो उस जानवर की ज़ाहिरी कैफियत मुराद होती है। तो कभी भी उस पर आप वक़ार नहीं देखेंगे कुत्ते पे। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे उलमा जो ख्वाहिशात नफसानिया के शिकार होकर हक़ के रास्ते को छोड़ देते हैं वो भी इसी तरह माशरे में रुस्वा और जलील हो जाते हैं, कि वो भी किसी हाल में खुश नहीं होते। उनकी भी हर वक्त, अल्लाह माफ़ फरमाए ये मिसाल देते हुए भी डर लगता है, कि उनकी हर वक्त मिसाल ऐसे ही होती है कि लालच में जैसे कुत्ता हाँप रहा होता है ना, और जो उसकी ज़िल्लत की कैफियत होती है, तो वैसा ही अल्लाह लोगों की नज़र में उनका मकाम बना देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, ये है उस कौम की मिसाल जो हमारी आयात का इनकार करते हैं। यानी वो कौम से मुराद है उलमा की कौम, जो इल्म होने के बावजूद हक़ का इनकार करें। फ़क़सुसिल क़सस, पस ए नबी आप वाक़या बयान कीजिए, लअल्लहुम यतफ़क्करून, शायद कि ये लोग गौर फ़िक्र कर लें। यानी ये जो हमने वाक़या बयान किया इसको आप लोगों के सामने बताएं, जो बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या है, ताकि लोगों में इबरत हासिल हो कि इल्म हासिल होने के बाद पैसों की लालच में गुमराह होना और लोगों को गलत गाइड करना, इसका क्या असर पड़ता है खुद उस आलिम की शख्सियत पर, ख़ुद उसका इमेज कैसा दुनिया के सामने ख़राब होता है। इस पर मुमकिन है कोई इश्काल करे कि हमने तो बहुत से दुनिया परस्त उलमा देखे हैं जिनकी बड़ी इज़्ज़त होती है। तो खूब समझ लें कि इज़्ज़त और ज़िल्लत से मुराद उन लोगों की नज़र में इज़्ज़त है जो खुद काबिल इज़्ज़त हों। आम लोग जो जाहिल होते हैं या जिनके पास खुद इल्म नहीं होता उनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है। हमने देखा है बड़े बड़े जाहिल, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को देख लें कैसा उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत से मुराद फलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, जो भी सही ईमान वाले लोग हैं उनकी नज़र में ऐसे लोगों का इमेज ख़राब रहता है। बाकी बेवकूफ़ों की नज़र में तो ज़ाहिर है बेवकूफ़ आदमी ही की इज़्ज़त होगी। सा मसलन, अल्लाह फरमाते हैं बहुत ही बुरे हैं वो लोग, बहुत ही बुरी है वो कौम मिसाल के एतबार से, अल्लज़ीन कज़्ज़बू बि आयातिना, जो हमारी आयात का इनकार करते हैं। मिसाल क्या मतलब? अल्लाह ने उनको कुत्ते से तशबीह दी है कि वो किसी हाल में मुतमईन नज़र नहीं आएगा आपको। तो ये लोग भी हर वक्त हाँपते काँपते रहेंगे, कभी भी ये मुतमईन नहीं होते। दुनिया परस्त इंसान ये समझता है कि मैं हक़ के बदले में जब दुनिया ख़रीदूँगा तो मेरी अय्याशी शुरू हो जाएगी और मुझे सुकून मिलेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं होता। इन लोगों की मिसाल बहुत ही बुरी है, और मिसाल जो कुरान दे चुका है वो कुत्ते की मिसाल है। वअनफुसहुम कानू यज़लिमून, और ये अपनी ही जानों पर जुल्म करते हैं। ये समझते हैं कि वसाइल आने के बाद हमारी खुश ऐशी वाली ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही है हिदायत याफ्ता। तो अल्लाह तो उसी को हिदायत देता है जो हिदायत चाहता है। और अल्लाह की हिदायत क्या है? जिसको कुरान कहता है ये गलत है उसको आप गलत मान लें, जिसको कहता है सही है उसको आप सही मान लें, और पैसों के बदले में, दुनिया की लालच के बदले में आप सही को गलत और गलत को सही ना कहें। यह है अल्लाह की हिदायत। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वमन युज़लिल, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे फ़उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं खसारे वाले। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। अब एक गोया इश्काल होता है कि इल्म के बाद इंसान गुमराह कैसे हो सकता है। जैसे यहूद, कुरान ने पिछले रुकू में क्या कहा था, वाज़ेह तौर पर तौरात में यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने सामने तौरात में लिखा हुआ देखते हैं। इसके बाद भी गुमराह हो गए, इसके बाद भी आपकी नबूवत का इनकार कर रहे हैं, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कैसे इनकार कर रहे हैं। इस बात पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद अजियत होती थी। तसल्ली के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द ज़रअना लिजहन्नम, तहक़ीक़ हमने पैदा किया है जहन्नम के लिए कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, बहुत सारे जिन्नात और इंसानों को। यानी गोया अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले हक़ को तसल्ली दे रहे हैं कि दुनिया में बड़े बड़े गुमराह लोग हर दौर में मौजूद रहेंगे, क्योंकि हमने जहन्नम भी भरनी है, तो बहुत से लोगों को हमने पैदा ही जहन्नम में जाने के लिए किया है। यहाँ एक इश्काल होता है कि जब अल्लाह ने उनको पैदा ही जहन्नम के लिए किया तो उन बेचारों का कसूर किया है। तो देखें, ये कुरान की बलागत ताबीर है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई शख्स जो है ना, जैसे माँ बाप के एक औलाद पैदा हुई और माँ बाप खुशी मना रहे हैं, फिर उसकी तरबियत कर रहे हैं, तरबियत में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन बच्चा माँ बाप का नाफरमान है, मुसलसल नाफरमानी कर रहा है, मुसलसल नाफरमानी कर रहा है, हर तरह से तरबियत की कोशिश कर ली मगर वो माँ बाप को सता रहा है। तो बाप एक दिन क्या कहता है, ये बच्चा पैदा ही मैंने इसलिए किया था ताकि ये मुझे सताए। तो मकसद ये नहीं होता कि पैदा इसलिए किया गया है, मकसद ये कि इसका हर तरह से इसकी हिदायत के असबाब पैदा कर लिए, लेकिन ये फिर भी हट धर्मी। तो ऐसा लगता है कि ये गोया मेरी गलती है, गोया मैंने इसको पैदा अपने आप को सताने के लिए किया था, यानी ये अंजाम तो इसका लाजमी निकलना ही था। और आसान मिसाल, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, एहसानात करते हैं, और वो उस गिफ्ट से जो है आपके एहसानात से फलता फूलता है और आप ही को मारना शुरू कर देता है, तो आप क्या कहते हैं, भाई मैंने तो इस पर एहसान इसलिए किया था ताकि ये मुझ पर जुल्म करे। तो इसको कहते हैं लाम आकिबत, यानी वो लाम यहाँ लिए तर्जमा होता है, लेकिन इसका असल तर्जमा होता है कि जिसका अंजाम ये निकलना है। तो कुरान भी ये कह रहा है वलक़द ज़रअना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, बहुत से लोगों के हालात ऐसे हैं कि जिनको देख के तुम्हें ये लगेगा कि इनको पैदा ही जहन्नम को भरने के लिए किया गया है, यानी इतने ज़िद्दी और हठधर्मी है। अगली आयत में इस मज़मून को और वाज़े कर दिया गया, फरमाया लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल हैं मगर उन दिलों में समझने की सलाहियत नहीं है। क्या मतलब, हम ज़बरदस्ती इनको जहन्नम में नहीं डाल रहे, इनको हमने सोचने के लिए दिल तो दिया है मगर उस दिल में हक़ को समझने की, ये समझते ही नहीं है उससे। ला यफ़क़हून बिहा का मतलब उस दिल से हक़ को समझते ही नहीं है, तो समझ ही नहीं रहे हैं हक़ को, बाकी तमाम बातें इनकी समझ में आ रही हैं, हक़ का रास्ता इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो इससे पता चलता है कि गोया ये पैदा ही जहन्नम के लिए हुए हैं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आँखें हैं मगर उससे ये देखते नहीं हैं। क्या मतलब कि हक़ रास्ता नज़र ही नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं मगर हक़ इनसे नज़र नहीं आता, अंधे बने हुए हैं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान हैं मगर ये उन कानों से सुनते नहीं हैं। यानी गोया अल्लाह ने पिछली आयत में जो इश्काल हुआ था उसका जवाब भी दे दिया कि हमने तो इनको सोचने के लिए दिल भी दिया, हक़ देखने के लिए आँखें भी दी और सुनने के लिए कान भी दिए। हम ज़बरदस्ती अगर इनको जहन्नम में फेंकना चाहते तो हम इनको सीधे रास्ते की सलाहियत ही पैदा ना करते, हमने सीधे रास्ते को समझने की तमाम सलाहियतें इनमें पैदा कर दी हैं मगर उन सलाहियतों से ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं उठाते, ना हक़ के बारे में सोचते हैं, ना हक़ देखने की कोशिश करते हैं और ना हक़ को सुनने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर ये हक़ पर ईमान नहीं लेकर आते तो ए नबी आप गम ना करें, यूँ समझ लें कि इन कमबख्तों को पैदा किया गया है जहन्नम में डालने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज करे। उलाइका कल अनआम, ये लोग जानवरों की तरह हैं, चौपायों की तरह हैं। बल हम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा गुमराह हैं, इसलिए कि जानवर गुमराह होता है, उसमें उसका कसूर नहीं है, ये तो जानते बूझते हुए गुमराह हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं गाफिल। गाफिल का मतलब ये जो ना देखता हो, ना सुनता हो, ना सोचता हो, तो ज़ाहिर है फिर वो गफलत में ज़िंदगी गुजारेगा। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, फदउहु बिहा, उन नामों से अल्लाह को पुकारो। मुशरिकीन यहाँ ये भी करते थे, जो अल्लाह की सिफ़ात हैं वो गैरों को देते थे। तौहीद में मुशरिकीन कहते थे ना, हम एक खुदा को मानते हैं। कुरान ने इस रुकू के शुरू में कहा ना कि तौहीद इंसान की फितरत है, तो मुशरिकीन कहते थे हम भी एक खुदा को मानते हैं। तो अल्लाह ने कहा जब एक खुदा को मानते हो तो जो अल्लाह की सिफ़ात हैं वो अल्लाह के अलावा को क्यों दे रहे हो? तो इसलिए जो अल्लाह के अच्छे नाम हैं यानी जो सिफ़ात हैं अल्लाह की अच्छी अच्छी, उनसे सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो। वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी अस्माइही, और जो अल्लाह के नामों के बारे में इल्हाद से काम लेते हैं उनको अपने हाल पे छोड़ दो, उनको फॉलो मत करो। इल्हाद क्या है कि वो नाम गैरुल्लाह को दे देना। मुख्तार कुल, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हर जगह मौजूद, इस तरह के जो नाम आज भी लोग दे रहे हैं अल्लाह के अलावा को, तो ये नाम अल्लाह के, ये नाम से मुराद है यहाँ सिफ़ात। तो ये वाली सिफ़ात अल्लाह के साथ, अल्लाह के अलावा किसी को मत दो। वो सिफ़ात जो अल्लाह का खासा है वो अल्लाह के अलावा किसी को मत दो। अगर तुमने दिया तो तुम्हें मुशरिक ही समझा जाएगा, चाहे तुम 100 दफ़ा ज़बान से तौहीद के दावे करो। सयजज़ौना मा कानू यामलून, जो लोग अल्लाह के नामों में दूसरों को शरीक करते हैं अनकरीब उनको उसके उनके बुरे अमल का बदला दिया जाएगा। व मिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदूना बिल हक़, और जो हमने उम्मत पैदा की है उनमें एक उम्मत ऐसी है जो हमने मखलूक पैदा की है जो हक़ की तरफ रहनुमाई करते हैं। व बिही यादिलून, और हक़ के साथ इंसाफ़ करते हैं। यानी अल्लाह फरमाते हैं हमने बहुत सारे जिन्नात और इंसान को जहन्नम के लिए पैदा किया, तो अल्लाह कहते हैं सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सीधे रास्ते की रहनुमाई करते हैं और हक़ के साथ इंसाफ़ करते हैं। तो तुम अपने आप को देख लो कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। अगर तुम्हारे अमाल बुरे हैं, हक़ सुनने के बावजूद बातिल को फॉलो करते हो, तो समझ लो तुम्हें भी जहन्नम के लिए पैदा किया गया है। और अगर तुम हक़ ही की रहनुमाई करते हो और हक़ के साथ इंसाफ़ करते हो तो समझ लो कि तुम्हें जन्नत के लिए पैदा किया गया। हमारा रुकू आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ इल्मी नुकात हैं, बस ख़ुलासे के तौर पे बयान कर देता हूँ। एक तो हमें इस रुकू में ये पता चला कि अल्लाह ने आलम अरवा में हमसे तौहीद का एग्रीमेंट किया था, उसकी वजह से तौहीद हमारी नेचर का हिस्सा बन चुकी है। ये भी पता चला कि गैर मुस्लिम घराने में पैदा होने से इंसान माजूर नहीं हो जाता। वो क़यामत के दिन ये नहीं कह सकता कि मेरे माँ बाप ईसाई थे तो मैं ईसाई था, मेरे माँ बाप हिंदू थे तो मैं हिंदू था। ये उज़र क़यामत के दिन नहीं चलेगा। तीसरा, हमें ये पता चला कि भाई इल्म के बावजूद इंसान जब गुमराह होता है तो वो आम गुमराहों की तरह नहीं है, उस पर अल्लाह ज़िल्लत को मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाह हम सबको उस ज़िल्लत से बचा के रखे। और हमें ये भी पता चला कि जो बहुत ज़िद्दी और हर धर्म लोग होते हैं ना, जो हक़ को सुनने के बावजूद समझने की कोशिश ही नहीं करते, बिल्कुल 180 डिग्री पर चल रहे होते हैं, वो तो मायूस नहीं होना चाहिए। ये फ़र्ज़ कर लेना चाहिए कि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम दोनों चीज़ें बनाई। अगर इस तरह के बदबख्त लोग ना होते तो ज़ाहिर है जहन्नम का पैदा करना तो फिर लगव और फजूल हो जाता। तो ये सोच के अहले हक़ को तसल्ली रखनी चाहिए और इन ज़िद्दी और हर धर्म लोगों की वजह से हक़ के रास्ते से हटना नहीं चाहिए। और ये भी पता चला वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना में कि अल्लाह के जो नाम हैं, जो ख़ास सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की, वो मखलूक को देना जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज लोग आलिमुल ग़ैब कहते हैं, मुख्तार कुल कहते हैं, मुश्किल कुशा कहते हैं। ये तो बड़ा शिर्क है जिससे कुरान हमें मना कर रहा है। हमारा ये रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अगले रुकू में, अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा सूरह आराफ का रुकू नंबर 23 और 9 पारे का रुकू नंबर 13। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।